हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक और आज हम लोग हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह का प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्य आदि का कालक्रमिक विवरण जो है वह इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगगट का है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगगट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किन शब्द का प्रयोग किया? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किस स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किस स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि जो है उसको सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना गया? महर्षि वेदव्यास को माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैश्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैश्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिल रही है? तो मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है?
आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाई से बाएं की ओर। खरोष्ठी लिपि जो है वह किस प्रकार से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। नारद स्मृति से किस वंश के विषय की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन मानी जाती है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया, भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इवन बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इवन बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रमुख अभिलेख व शासक। हाथी गुफा अभिलेख, उसमें शासक कलिंग नरेश खाड़वेल थे। हाथी गुफा अभिलेख जब लिखा गया तो उसमें शासक कलिंग नरेश खाड़वेल थे। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय लिखा गया। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री के समय लिखा गया। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय लिखा गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समय लिखा गया। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय लिखा गया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय लिखा गया। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय लिखा गया। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय लिखा गया। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। ह्वेनसांग जो है अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इवन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को निवासी इवन बतूता जो है वो भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक उसे क्या दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल जिसे इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है, एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो है 26,00,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक फैला है
मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल जो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। अब मध्य पाषाण जो है वो तीन भाग में है, निम्न पूरा पाषाण काल जो 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक, मध्य पूरा पाषाण काल जो 50000 ईसा पूर्व से 40000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल जो है 40000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीपखंड का था? जम्बू द्वीप का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। वृहद पाषाण स्मारक की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई है? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी
मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, कुंभकारी को क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल से। यानी कुंभकारी का जो सर्वप्रथम प्रमाण जो है किस युग से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। पेवल उपकरण जो है किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्बती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सरायनहार राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस कहाँ प्रादुर्भाव आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ी से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायनहार राय से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायनहार राय से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंद्रद्रो, सुतकागिंडो और हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है वो स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधुवासी ने पहली बार तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाया, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? कालीबंगन। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कालीबंगन।
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पाकालीन स्थलों को अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पाकालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े की अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में। सैंधव्य सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता का मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता का मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से। लेखन कला की प्राप्ति विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? भारत के किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सिलखड़ी का। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सिलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी सीमा दी गई है, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में उत्तर प्रदेश जो आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुतका गेंडर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। आर्य शब्द जो है वह किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। त्रयी नामक
सॉरी त्रेई नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। त्रेई नाम जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद में। चार वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। चार वेदों में से किस एक वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यमन का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? कठोपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप से की जाती है? चिनाव। वैदिक नदी अश्किनी जो है उसकी पहचान किस नदी के रूप में की गई है? तो चिनाव नदी के रूप में की गई है। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय को अघन्या के नाम से जानते थे, गाय को अघन्या के नाम से जानते थे। राजा को गोपा के नाम से, राजा को गोपा के नाम से जानते थे। अतिथि को गोहनता या गोहन के नाम से जानते थे, अतिथि को गोहनता या गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत के नाम से जानते थे, धनी व्यक्ति को गोमत के नाम से। युद्ध को गविष्टि गेसु या गम्य कहते थे, युद्ध को गविष्टि गेसु या गम्य कहते थे। पुत्री को दुहिता कहते थे, पुत्री को दुहिता कहते थे। अनाज अनाज को धान्य कहते हैं, अनाज को धान्य कहते थे। मरुस्थल को धन्व कहते थे, मरुस्थल को धन्व कहते थे। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहते हैं, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहते थे। हल से बनी नालियों को सीता कहते थे, हल से बनी नालियों को सीता कहते थे। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाने लगा। ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगजकोई अभिलेख से। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगजकोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में
दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते थे। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते थे इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्की यानी रावी नदी के किनारे। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया था जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया था? तो जौ के लिए। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा गया है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। ऋग्वैदिक नदियाँ इसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया है। वितास्ता का आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। दृष्दति या दुष्दति जो है उसका आधुनिक नाम घग्घर है। क्रुम्भू का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। एस्किनी का आधुनिक नाम चिनाव है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। गोमल का आधुनिक नाम गोमती है। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध है। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्घर है। सुषोमा का आधुनिक नाम सोहन है। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? एतरे ब्राह्मण ग्रंथ में।
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्योपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्योपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजु। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहते हैं? अमाजु कहते हैं। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन से शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जैन धर्म से प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। अनेकांतवाद किस धर्म के मूल सिद्धांत और दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 1974 ईस्वी में श्रवण वेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गुमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोशाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनीय किस प्रकार का संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? शमशेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय जो थे, उनके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदान हुआ? प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस जैन संगीति के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन संगीतियाँ या सम्मेलन जिसको कहते हैं, वो कब और कहाँ हुआ था? पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति जो है वो 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो हैं क्षमा श्रवण थे।
द्वितीय जैन संहिति जो है वह 512 ईसा पूर्व में हुआ और बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष जो हैं क्षमा श्रवण थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर जितने भी थे उनका अंतिम कौन थे तीर्थंकर? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल इनका वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था त्रिशला। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। प्रमुख उपाधि जो थी केवलिन, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति जिसे कहते हैं केवलिन, जिन और निग्रत अहर्त, ये सब उनको प्रमुख उपाधियां मिली थी। निर्वाण प्राप्ति जो है पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण मतलब मृत्यु। पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान है जहां बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किसके लिए किया जाता था? आजीवक के आवास के लिए। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीवक के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रत थे उसमें महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य महाव्रत की शिक्षा दी। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन धर्म के का जो ग्रंथ है कल्प सूत्र उसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में। अब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित हुई? त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाविष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध की गृहत्याग की घटना। महाविष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृहत्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है? महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी और महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय संगीति में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी और महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? दूसरा बौद्ध संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध मत के उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन। बुद्ध जो है किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के राजकाल में। बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था। इसका
प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बुद्ध धर्म का जो रामायण है उसको क्या कहते हैं? बुद्ध चरित्र कहते हैं। और उसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रमणी देई स्तंभ अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रमणी देई स्तंभ अभिलेख। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति से। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थल जो है लुम्बिनी वन कपिल वस्तु, जो वर्तमान में रमणी देई नेपाल में है। जन्मस्थल इसका कहाँ है? लुम्बिनी वन में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका पुत्र उसका नाम राहुल था। सारथी का नाम चन्ना। और घोड़े का नाम कथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ था? गया, जो बोध गया बिहार में है, निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बिहार के बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे। प्रथम उपदेश स्थल कहाँ है? ऋषिपत्तन सारनाथ में। शिष्य इनके कौन थे? आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ था? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। उनकी आयु उस वक्त 80 वर्ष थी। दिन वैशाख पूर्णिमा था और स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश था। जीवन का अंत, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, 483 ईसा पूर्व में हुआ। 80 वर्ष की उम्र थी उस समय। दिन था वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर, जो आज उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन अजात शत्रु का था। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन अजात शत्रु का था
दूसरी बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष शावक मिट थे और शासन काल अशोक का था। दूसरी बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, इसके अध्यक्ष शावक मिट थे और शासन काल अशोक का था। तीसरी बौद्ध संघ थी 250 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में और इनके अध्यक्ष जो है मोगली पुत्तिस थे और शासन अशोक का था। तृतीय बौद्ध संघ थी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई और इनके अध्यक्ष मोगली पुत्तिस थे और शासन अशोक का था। चौथी बौद्ध संघ थी 98 ईसा पूर्व में हुई और स्थान था कुंडलवन और अध्यक्ष वसुमित्र और शासन जो है कनिष्क का था। चौथी बौद्ध संघ थी 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन में वसुमित्र के अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध और जैन दोनों जो हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासन काल में। बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। त्रिपिटक नाम स्वरूप और विषय। सूत पिटक जो है पिटकों का वृहत्तम बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। विनय पिटक में पिटकों का लघुत्तम रूप है जो बौद्ध संघ के आचार विचार और विनय निषेध का संकलन है। अभिधम्म पिटक में पिटकों के मध्यम बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। बुद्ध के जीवन में किन चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। बुद्ध के जीवन पर किन चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक और चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिम्बिसार ने। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिम्बिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। बुद्ध के जीवन की घटना एवं उसके प्रतीक। गर्भ उसका प्रतीक हाथी है, जन्म का प्रतीक कमल है, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है, प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन का प्रतीक सांड है, समृद्धि का प्रतीक शेर है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं,
गर्व का प्रतीक हाथी है, जन्म का प्रतीक कमल है, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है, प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है बोधि वृक्ष है, यौवन का प्रतीक सांड है, समृद्धि का प्रतीक शेर है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्थ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। उपोस्थ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकिषेत्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकिषेत्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगति को कहा जाता था तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगति को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म से। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारक एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतित्य समुत्पाद। अब हम लोग देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। मत्तम मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। मत्तम मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायोनिसस। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसिस। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्टनेमी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर ने बताया गया है? अरिष्टनेमी। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग का। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव एवं उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। दक्षिण भारत में शैव आंदोलनों में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में प्रारंभ हुआ? शुंग सातवाहन काल में। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। उसके बेसर नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से।
कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद्भागवत गीता में। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद्भागवत गीता में। श्रीमद्भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। श्रीमद्भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विकास किसने किया था? अलवार संतों ने। अब हम लोग 6वीं सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम है? अश्मक, जो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम है? अश्मक है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? मौर्य वंश का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने। उदयन वशावदता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। उदयन वशावदता की कहानी किस स्थान से विशेष रूप से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। बौद्ध धर्म के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की भी हत्या कर दी एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। सिकंदर एवं पोरस की सेना के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? महापद्मानंद को। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? महापद्मानंद को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदर्शक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदर्शक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैनद्रमीज नाम से किया है? घनानंद। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम साम्राज्य का स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम
जॉन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाख दत्त में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था उसको किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था उसको किस भारतीय राजा ने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर का अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसके सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। किसके सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटा जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते थे और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसमें किया गया है? जस्टिन में। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की जो भेंट का उल्लेख किया गया वह जस्टिन में किया गया है। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किस शासक ने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण वेलगोला चले गए जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग किए। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापन अधिकारी को। मौर्य साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य साम्राज्य में जो भूमि मापने वाले अधिकारी थे उन्हें कहा गया था। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर पाकिस्तान में। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी जो प्राप्त हुआ है वह कहाँ पर स्थित है? पेशावर पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वह कौन सी है? प्राकृत भाषा। अशोक के बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा उपनाम से। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी इसका प्रमाण किसमें मिलता है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी में। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेख के माध्यम से शासनादेश जारी किया? अशोक। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेख के द्वारा शासनादेश जारी किया? सम्राट अशोक। वह कौन सा स्तंभ है
जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भावरु स्तंभ, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भावरु स्तंभ। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया अशोक का शिलालेख था, उसको सर्वप्रथम किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने की सफलता प्राप्त की, यानी सबसे पहले वही पढ़े थे। अशोक ने किस अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिली थी? पांचवें वृहद शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिली थी? पांचवें वृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, उसका निर्माण कौन मौर्य शासक करवाया था? सम्राट अशोक। मौर्य राजवंश के शासकों में सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य साम्राज्य के शासक में भी सुदूर देश जैसे सीरिया और मिस्र के साथ उनके राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस नाम से प्राप्त हुई? कालसी। उत्तराखंड में भी सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जिसे कालसी के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मौर्योत्तर काल। शिमुख किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौमतीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नाम नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व। शक संवत प्रारंभ हुआ था इसी ईस्वी से। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी से हुआ था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। कुषाण ने। विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन रहा? सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कनव वंश ने। कनव वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पान चाऊ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश। किस वंश का साम्राज्य जो है वह भारत की सीमा के बाहर भी फैला हुआ था? कुषाण वंश का। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित वामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविष्क ने। बुद्ध का अंकन किसने सिक्कों पर हुआ था? कनिष्क।
बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? कनिष्क के सिक्कों पर। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। भारत और यूनानी कला शैली के सौमिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने किए थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता अपनाई और उनका अंत भी हत्या करके ही हुआ? तो शुंग वंश का। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। अब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। सबसे पहले कौन धारण किया था? परम भागवत समुद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम था देवगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय। का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपिक। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के किस विषय में जानकारी मिलती थी? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर, वराह मिहिर और वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त वंशों के मध्य कितना अंतर था? 242 वर्षों का।
शक एवं गुप्त सम्मतों के मध्य कितना का अंतर था? 242 वर्षों का। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? रूपक। गुप्तकालीन रजत चांदी के मुद्राओं का क्या नाम दिया गया? रूपक। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत के प्रमुख किसका आयात किया जाता था? घोरों का। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोरों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरण हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरण हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर के लिए माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 641 ईस्वी। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 641 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। वैन संघ किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वैन संघ जो है किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण 672 ईसा पूर्व में किया था। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म से। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफा जो है वह किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। पशुपतिनाथ का मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर किस देश में है? नेपाल में। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सा सबसे प्रसिद्ध है? अजंता की गुफा। बौद्ध गुफा मंदिर में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? अजंता की गुफा। एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में, उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? राष्ट्रकूट ने। एलोरा की गुफा का निर्माण किस शासक ने कराया? राष्ट्रकूट शासक ने। प्रसिद्ध नौमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में था? सीतापुर। प्रसिद्ध नौमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में था? सीतापुर उत्तर प्रदेश में। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने।
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों के सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासकों द्वारा बनाया गया? पल्लव। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया? पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वह किस दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है, शारदा मठ द्वारका में है, गोवर्धन मठ पुरी में है, वेदांत मठ श्रृंगेरी की में है, उसकी स्थापना की थी। किसने? आदि शंकराचार्य ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना और शैली का। गंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। गंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश ने। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासक ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोती के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवकीर्ति किस आकृति की है? चतुर्भुज की। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकृति की है? किस प्रकार किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। कालिदास का नाम का जो उल्लेख है वो किस लेख में है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में। चोलों का राज
किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में ही अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। किस राजवंश में अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल वंश में। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। चोल वंश को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किस शिलालेख में हैं? उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किस शिलालेख में हैं? उत्तर मेरूर। इसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलुंतुंग प्रथम। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलुंतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाले शासक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं है? कदम। तमिल रामायण अथवा रामवतारम का लेखक कौन है? कम्बन। तमिल रामायण तथा रामावतारम के लेखक कौन है? कम्बन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल का राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक किया था ओरिकोमेडू ने। संगम साहित्य में वर्णित कनंगी कौन थे? तमिल महाकाव्य मणिमेल खरे की नायिका थी। किस नदी को पांड्य राज की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा पोन्ना और रन्ना। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में से सबसे प्रतापी शासक कौन थे? करिकाल। संगम काल के चोल शासक में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुन देवनार। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे जिसने महाभारत को तमिल में अनुवाद किया था? पेरुन देवनार थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल जो है उसके लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। संगम युगीन चोल शासक का धर्म क्या था? शैव। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथ की रचना क्या का काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।